संजय मिश्रा नवंबर 2018 से ईडी के निदेशक हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 31 जुलाई को उनका हटना तय है। इस मामले को लेकर विपक्ष केंद्र पर हमला बोल रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बुधवार को ईडी के निदेशक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर निशाना साधा। ईडी एक ऐसी संस्था है जो किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है, तो फिर आपने एक ही निदेशक को तीसरा विस्तार क्यों दिया? कुछ व्यक्ति सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक हितों की पूर्ति करते हैं। इससे पहले मंगलवार को अमित शाह ने ट्वीट कर कहा था कि ईडी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले लोग अलग अलग वजह से भ्रमित हैं। ईडी एक संस्था है जो किसी भी व्यक्ति विशेष से ऊपर है। उसका पूरा ध्यान अपने मूल उद्देश्य को पाने में लगा है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की जांच करना है। ऐसे में ईडी का डायरेक्टर कौन है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस पद पर बैठेगा वो विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले एक आरामदायक क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर ध्यान देगा। वैसे खुद केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि 2014 और 2022 के दौरान ईडी की छापामारी में 2004 और 2014 के बीच की तुलना में लगभग 27 गुना बढ़ोतरी हुई है। यूपीए के कार्यकाल के दौरान जहां सिर्फ 112 सर्च हुई, वहीं जब एनडीए आई तब ये संख्या 3000 के पार हो गई। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 5 सालों में ईडी की कार्रवाई में तेजी दिखाई दी है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि सरकार के इशारे पर ईडी विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापे मारती रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये तय हो गया है कि सरकार को नए ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति 31 जुलाई तक करनी होगी। माना जा रहा है कि सरकार इस बार ऐसे नाम पर मोहर लगाएगी जो विवादों से ना घिरा हो। आखिरकार ये चुनावी साल है और सरकार नहीं चाहेगी कि ईडी को लेकर दोबारा से कोई विवाद हो। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।